मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है, तो खाने में भी कुछ स्पेशल बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है टमाटर, एज़ यूजुअल प्याज ले लिया है हमने, और यहाँ पे ले लिया है हमने गार्लिक, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है हमने। फिर यहाँ पे ले लिया है मिर्च, आप जितना भी तीखा खाते हो उस अकॉर्डिंग मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है मटर, हरी हरी मटर, ठंडियों का सीज़न है तो मटर काफ़ी अच्छी आ रही, मीठी वाली आने लगी है। अब यहाँ पे हमने लिया है पनीर, ये पनीर हमारा घर पे बनाया हुआ है, एकदम शुद्ध अपने हाथों से बनाया हुआ पनीर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कि हमने कैसे बनाया, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। एक और मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। हमने यहाँ पे दो प्याज ले ली है, छोटी छोटी थी, और एक गार्लिक ले लिया था हमने, और इसको जो है हम यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे, जो हमने अभी पेस्ट बनाया था लहसुन और प्याज का, और इसका जूस निकाल लेंगे। इस जूस को आप अपने बालों के में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही शाइनी बना देता है हेयर्स को, बहुत ही स्मूथ बन जाते हैं इससे हेयर्स, आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। यहाँ पे मैंने इसका जूस अच्छे से निकाल लिया है, इसको मैंने एकदम अच्छे से निचोड़ लिया है एकदम इसका जूस, और फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला है, उसमें प्याज डाल दी है हमने, और मैंने प्याज बारीक नहीं काटी है, मोटी मोटी काटी हुई है प्याज, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। प्याज को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे गार्लिक अपना, और एक अदरक का जो टुकड़ा था, और टमाटर डाल देंगे इसमें, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी सारी चीज़ें भून के तैयार हो गई हैं, अब इसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो अब हम ये मिक्सी को ऑन कर देंगे। याद रखिए, पेस्ट आपको ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा पेस्ट बनाना है, क्योंकि इससे अगर आप स्मूथ पेस्ट बनाएंगे तो उसका स्वाद चला जाएगा। यहाँ पे कढ़ाई में हमने ले लिया तेल, उसमें मटर भून लिया हल्की सी, और ये देखिए हमने एकदम दरदरा सा पेस्ट इसका बनाया हुआ था, और ताकि इसका जो हर एक चीज़ का स्वाद है वो ना जाए, हमने मटर को निकाल लिया है अलग एक प्लेट में, और मटर हमने ज़्यादा पकाई नहीं है, एकदम बस ऑयल में थोड़ी सी कोट हो गई है। फिर हमने डाला है कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल, इसमें डाल दिया हमने जीरा, और यहाँ पे खड़े मसाले हमने यूज़ किए हैं। फिर हमने इसमें डाल दिया है अपना पेस्ट, और पेस्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसमें डाल दी हमने अपनी मटर, और मटर को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया है पानी, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम एकदम लास्ट में डालेंगे पनीर, ताकि पनीर जो है वो टूटे ना, बहुत बार पनीर ग्रेवी में ही मिक्स हो जाती है, पता ही नहीं चलता पनीर कहाँ गई, तो हम इसको एकदम एंड में मिक्स करते हैं। और ये लीजिए, हमारी पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है, आप इसे इंजॉय करिए, रोटी पराठा पूड़ी जिसके भी साथ आपको पसंद है, आप इसे क्रिसमस के दिन ज़रूर बनाए।